पूरी स्थिति है। ये तीन बच्चे कभी जीवन में इन्होंने सोचा भी नहीं और याद करेंगे। दिल्ली से पैदल आ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हैं। आप देख सकते हैं इन बच्चों को। ये बच्चे रात चले थे पैदल। अब इस बच्चे को आप देख सकते हैं, थका हुआ सो रहा है। अब ये ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर इस उम्मीद पर डटे हैं कि कोई इन्हें सवारी मिल जाएगी और ये अपने घर इटावा पहुँच जाएंगे। आपका मोनू। आप कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से पैदल ही। कहाँ जाना आपको? इटावा। तो आप कब चले थे दिल्ली से? हम सुबह चले थे 3 बजे। अच्छा, अब यहाँ आप ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर हो। क्या उम्मीद है आपको? अगर आपको सवारी नहीं मिली तो पैदल ही निकल लोगे? जी हाँ। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? बिल्कुल नहीं। मैं शारदा प्रसाद। कहाँ जा रहे हो आप? ये कहा मार्टन डॉन से। कहाँ जाओगे? बांदा जिला। अच्छा, आप पैदल ही जा रहे हैं अपने घर? हाँ सर। तो आप किसी सवारी से क्यों नहीं जा रहे, पैदल क्यों जा रहे? नहीं सर, जब हमारे पास पैसा नहीं है, 2000 की 3000 की टिकट मिल रही है तो क्या करेंगे? कहते हैं बड़ा वाला टच वाला मोबाइल लीजिए, तो 10,000 का मोबाइल लें सर, 2,000 की टिकट कटाएं, 12,000 तो यहीं गमा के चले जाएं। तो लड़का बच्चन के लिए क्या ले जाएंगे? अच्छा, क्या करते थे आप? हम मिस्त्री का काम करते हैं। दिल्ली से आप लोग पैदल ही आ रहे हैं क्या? हाँ सर।